असम को भारत से अलग करने के विवादित भाषण का वीडियो सामने आने के बाद जेएनयू छात्र शर्जील इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी, बिहार, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में केस दर्ज होने के बाद अब शर्जील की गिरफ्तारी हुई है। उधर जहानाबाद पुलिस ने शर्जील इमाम के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसके भाई मुजम्मिल इमाम को हिरासत में ले लिया। शर्जील की तरह ही मुजम्मिल भी जहर उगलने में माहिर है। हेट स्पीच देने में मुजम्मिल भी अपने भाई से कमतर नहीं है, जिसका अंदाजा आपको 18 जनवरी को जहानाबाद में दिए गए उसके इस भाषण से हो जाएगा, जिसमें वो लोगों को CAA, NRC और NPR को लेकर सरकार के खिलाफ भड़का रहा है। ये जहालत इनकी सोचे दिमाग की, 130 करोड़ जनता में से ये पहले वोट लेते हैं सरकार में जाते हो कौन? अरे भैया, हम वही जिन्होंने आपको वोट दिया, और आज आपसे पूछते हैं दस्तावेज मांगे। अरे वो जाहिल कौन, इस बात को समझो कि अगर हमारा हिंदुस्तानी हम नहीं है तो हमारे वोट देने वाले सरकार में कहां से आ गए? NPR को लेकर शर्जील का भाई किस तरह लोगों के मन में जहर भर रहा है, उन्हें भड़का रहा है कि वो सरकार की इस योजना का विरोध करें, वो भी सुन लीजिए। ये NRC का पहला स्टेप है, जिसमें आपसे आपका डेटा लिया जाएगा, आपके घरों में जाके आपका नाम, आपके बाप का नाम, आपके बाप का काम, आपके बाप की पैदाइश की तारीख, आपके बाप की पैदाइश की जगह, आपकी माँ की पैदाइश की जगह वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आपसे घर में आके पूछी जाएंगी। तो इस चीज को आप जानने की जरूरत है कि NPR को अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो NRC शुरू हो ही नहीं सकता। अगर NPR में हम अपना डेटा नहीं देते हैं तो वो हमारे दरवाजे NRC लेके नहीं आ पाएंगे, इस बात को समझने की जरूरत है। मुजम्मिल के इसी इतिहास को देखते हुए पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। इसी बीच शर्जील की मां अफशा परवीन ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे शर्जील के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसे फंसाया जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है, उल्टा सीधा बोल करके उसको बात को बढ़ाया जा रहा है। ये रोड जाम करने के लिए इसलिए वो बोला था कि NRC वगैरह का बात दब जाएगा, हो सकता है कि दब जाए, उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि तोड़ देगा आसाम और यह और वह, कुछ नहीं कर पाएगा वो। और मेरा बेटा लुच्चा बदमाश मुंडा नहीं है, बहुत अच्छा शरीफ इंसान है, अल्लाह से और इससे कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा निकलेगा बन करके इंशाअल्लाह ताला। शर्जील के परिवार का राजनीति से पुराना नाता रहा है। शर्जील के पिता मोहम्मद अकबर इमाम बिहार की सियासत में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। मोहम्मद अकबर इमाम को JDU ने 2005 के विधानसभा चुनाव में जहानाबाद से टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अब ये परिवार शर्जील के जहरीले भाषण के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।